इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा ब्रम, ब्रम, छोड़दा की हिस्ट्री लाइफ की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा भी कहीं ना कहीं नाम छोटा सा कहीं से आएगा। हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में ऐसे सुपरस्टार जो सिनेमाई पर्दे पर हीरो भी थे और अपनी असल जिंदगी में भी हीरो ही थे। भाई समझ का है फिर और बात क्या है तेरी जात क्या है इस झूठ के पीछे किस नीच पापी को छुपा रहे हो या यूं कहें कि रियल लाइफ के हीरो रियल लाइफ के हीरो में कहीं बड़े हीरो थे। सावन का महीना पवन करे चोर। हिंदी सिनेमा गोल्डन एरा 50 और 60 का दशक जिसमें आज भी जाना ही जाता है दिलीप कुमार राज कपूर और देवानंद के सुपर स्टारडम के लिए। लेकिन इन तीन सर्वकालिक महान एक्टर्स के बीच लोग उस दौर के वंडर बॉय और सबसे एक्सपेरिमेंटल सुपरस्टार को जिनका स्टारडम शुरू ही हुआ था कल्ट फिल्म मदर इंडिया से। मैं से ये फसल नहीं लेने दूंगा, हमने बैल बनकर जमीन। हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन जिसकी शख्सियत और आवाज का जादू ऐसा था जो इन तीन सर्वकालिक महान सुपरस्टार के बीच उन्हें अलग से चमकता हुआ सितारा बनाता था। अरे ओ भोली तू झूठ कहां बोली, तू झूठ नहीं बोली। जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के और अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम को चुनौती देते हुए सुपरस्टार एक्टर विनोद खन्ना और मौजूदा दौर के सबसे बड़े खलनायक और सुपरस्टार हीरो संजय दत्त के सिनेमाई गॉडफादर थे। नाम सुनील दत्त। तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ही नया ट्रेंड दिया नेगेटिव हीरोइज्म का। और 1964 में उनके एक्सपेरिमेंटल फिल्म की नकल बॉलीवुड तो छोड़िए साहब हॉलीवुड के बड़े स्टार और डायरेक्टर तक ने आज तक उस एक्सपेरिमेंट को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने तुम्हारा धर्म खरीद लिया, आज से तुम सिर्फ हमारे लिए नाचोगे और गाओगे। एक्टिंग स्टारडम और एक्सपेरिमेंट का जादुई कमाल ऐसा कि हिंदी फिल्मों का पहला एंग्री यंग मैन होते हुए भी बतौर मुख्य अभिनेता बतौर हीरो अपनी इमेज से बाहर जाकर या यूं कहें कि अपने इमेज की परवाह किए बिना गुस्सैल बिगड़ैल बेटे से लेकर भोले भाले इंसान तक और खूंखार डाकू से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सभी तरह के हीरोज के रोल्स किए और सराहे भी गए। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिनका नाम कभी मशहूर हीरोइनों के साथ नहीं जोड़ा गया, जिन्होंने जिससे टूटकर प्यार किया उनसे ही शादी की और फिर हमेशा के लिए उन्हीं के होकर रह गए। दिल मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई। हिंदी सिनेमा का ये शख्सियत जो कैमरे के सामने जैसे दिखते थे असल जिंदगी में भी वैसे ही थे। दत्त साहब ने सिनेमा की जिस विधा में हाथ रखा हर उस विधा में सफलता ने उनके कदम चूमे और जिन्होंने उस कदम चूमती सफलता को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन सुपरस्टार शानदार एक्टर और बेहतरीन समाज सेवी और राजनीतिज्ञ के रूप में जाने गए सुनील दत्त साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों कि इन दशकों में नए स्टार एक्टर की कमी थी। शमी कपूर राजेंद्र कुमार से लेकर धर्मेंद्र फिरोज खान जय मुखर्जी जैसे स्टार और एक्टर उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सुनील दत्त के एक्टिंग का जादू ऐसा था कि उनके स्टारडम और हीरोइज्म को लेकर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को दर्शकों ने हर तरह से पसंद किया और सराहा भी। छोटू को खबर पहुंचा देना के शेराब उसके भाई का नहीं उसकी मौत का नाम है। उनके एक्टिंग का ये एक्सपेरिमेंट मदर इंडिया की जादुई सफलता के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। सुनील दत्त साहब ने मदर इंडिया के कालजयी सफलता को शुरू से ही खत्म कर दिया था
और फिल्म साधना, सुजाता, एक फूल चार कांटे जैसे गंभीर और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों में अभिनय करते हैं। मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों के सुपरस्टार थे सुनील दत्त साहब। दत्त साहब की जिंदगी जितनी संघर्ष से भरी थी उतना ही आकर्षक था उनका सिनेमाई सफर। दोस्तों, दत्त साहब की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि दूसरों की मदद के लिए किसी भी हद तक चले जाना, और यही वजह थी कि एक तरफ जहां फिल्मों का ग्लैमर उनकी सफलता के कदम चूम रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में लोगों की मदद करने के लिए उनकी समाज सेवी लगन से कोई इनकार नहीं कर सकता था। मुंबई में जो फसादात हुए थे तो दत्त साहब वहाँ बिल्कुल एक चट्टान की तरह निडर होके उन लोगों। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था जब राजनीति और ग्लैमर के शिखर पर होते हुए भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सब कुछ व्यर्थ गया, और वो वक्त था उनके सुपरस्टार बेटे संजय दत्त की गिरफ्तारी का। उस कठिन दौर के अकेलेपन में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया था, तब नियति ने उनके ईमानदार छवि की भरपाई की। राजनीतिक विचारधारा से सुनील दत्त साहब के धुर विरोधी महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता, हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे उनके साथ किसी पहाड़ की तरह खड़े हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम आगे जानेंगे आखिर वो क्या वजह थी कि महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता बाला साहब ठाकरे ने राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद सुनील दत्त साहब की मदद की थी। और आगे ये भी जानेंगे दोस्तों कि मल्टी स्टारर फिल्मों के सुपरस्टार सुनील दत्त साहब का सिनेमाई सफर कैसा था। साथ में ये भी जानेंगे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के सुपर स्टारडम को चुनौती देने वाले सुपर स्टार विनोद खन्ना का गॉडफादर क्यों कहा जाता है दत्त साहब को। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की वो कौन सी फिल्म थी जिसको पूरा करने के लिए सुपर स्टार सुनील दत्त साहब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम जानेंगे इस वीडियो में सुनील दत्त साहब के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में, और दत्त साहब ने कैसे नरगिस दत्त की अंतिम ख्वाहिश पूरी की थी घर वालों की मर्जी को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो में जो सुनील दत्त के जीवन से जुड़ी कई अनछुए पहलुओं को टटोलने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, हिंदी सिनेमाई अंदाज का चलन ये है कि सितारों के आगे सितारे होते हैं और सितारों के पीछे सितारे होते हैं। हर दौर में बदलते सिनेमाई सितारों का अंदाज अलग होता है, और इन्हीं अलग अंदाज के सिनेमाई सितारों में शामिल हैं सुपरस्टार एक्सपेरिमेंटल एक्टर सुनील दत्त साहब। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए। दोस्तों, 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल में सुनील दत्त एक ऐसे इकलौते एक्टर थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में हीरोइज्म का गेम चेंजर माना जाता था, हीरोइज्म का सबसे शानदार इमेज ब्रेकर कहा जाता था। उसकी वजह साफ थी कि 50 के दशक के आखिर से लेकर 60 के दशक तक उन्होंने बतौर एक्टर बहुत सारी हिट फिल्में दी, वो किसी जादुई मिसाल से कम नहीं था। और दोस्तों, इसके साथ ही एक सर्वमान्य तथ्य जुड़ा है कि इसी दौर में सुनील दत्त साहब बतौर निर्माता, निर्देशक और फिल्म मेकर बनकर उभरे। अपने अभिनय के पहले प्रयोग में ही सुनील दत्त साहब ने मदर इंडिया से नेगेटिव हीरोइज्म का नया सिनेमाई नैरेटिव सेट कर दिया। पहले एंग्री यंग मैन बने, और ये बात सदी के महानायक और एंग्री यंग मैन का इमेज धारण करने वाले सुपर एक्टर अमिताभ बच्चन ने खुद स्वीकार भी किया था। दत्त साहब ने अपने दूसरे प्रयोग में उसी नेगेटिव हीरोइज्म और एंग्री यंग मैन के इमेज को धराशाही कर दिया। ये बात दोबारा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि उस दौर में अपनी जादुई सफलता को, या यूं कहें कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में दिलीप कुमार से लेकर राजकुमार तक और राज कपूर से लेकर गुरुदत्त और किशोर कुमार तक सब अपनी सुपरस्टार सिनेमाई इमेज के खिलाफ जाकर अपनी एक्टिंग और अपने स्टारडम को बचाए रखने का साहस नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ सुनील दत्त अपनी पहली कालजयी जादुई सफलता से बाहर आकर वैसी फिल्मों में हीरो के रोल किए जो सामाजिक मुद्दों और स्त्री प्रधान फिल्में थीं। स्वर्ग तो उन लोगों के पास है बाबूजी
जो रूखी सूखी खाकर भी ये कहते हैं देने वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनील दत्त ने इन फिल्मों में अभिनय कर सबको अचंभित भी कर दिया। उस दौर के दिग्गज फिल्म मेकरों की पहली पसंद भी बन गए थे। इस बात का जीवंत प्रमाण ये है कि उन दशकों की सुपरहिट फिल्में फिल्म साधना, सुजाता, मुझे जीने दो और गुमराह 1963 में खानदान और वक्त 1965 में पड़ोसन। दोस्तों, आप सिनेमाई इतिहास उठाकर देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा सुपर एक्टर अपने स्टार्डम के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी शिखर पर बना रहा हो। फिल्म मुझे जीने दो जो 1963 में रिलीज हुई थी के ऐतिहासिक सफलता ने जैसे सुपरस्टार सुनील दत्त साहब को सफलता के शिखर पर एक बार फिर से पहुंचा दिया था। इस फिल्म की दो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में डाकू की जिंदगी पर बनी पहली फिल्म थी जिसे रियल लोकेशन चंबल में जाकर शूट किया गया था, और दूसरा था उस दौर में डाकुओं के जीवन पर बनी पहली सुपरहिट फिल्म थी। अमूमन हिंदी सिनेमाई अंदाज में बहुत कम ऐसा होता है जो अपने समकालीन सुपर एक्टर्स के साथ भी नजर आते हैं और हीरो के तौर पर अपने समकालीन से अलग उनके स्टारडम और हीरोइज्म की शख्सियत बरकरार रहती है। इन्हीं चंद गिने चुने सुपरस्टार एक्टर्स में शामिल हैं सुनील दत्त साहब। ऐसे में सुनील दत्त साहब का नेगेटिव हीरोइज्म लेकर आना और उसे सफल बना देना हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम मील का पत्थर साबित हुआ था। उस एंग्री यंग मैन के इमेज ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बना दिया। सुनील दत्त का नेगेटिव हीरोइज्म कॉन्सेप्ट एक्टर विनोद खन्ना को सुपरस्टार विनोद खन्ना बना दिया था, और आज इसी नेगेटिव हीरोइज्म ने बादशाह खान या यूं कहें कि शाहरुख खान को बॉलीवुड में प्यार मोहब्बत और रोमांस का किंग खान बना दिया है। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे। 1963 में सुनील दत्त साहब ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और बतौर निर्माता उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, और ये फिल्में थीं ये रास्ते प्यार के। वहीं 1964 में सुनील दत्त साहब की सिनेमाई समझ ने वो एक्सपेरिमेंट्स किया जिसकी नकल बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड के बड़े स्टार और डायरेक्टर ने आज तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो सुपरहिट फिल्म थी 1964 में बनी फिल्म यादें, जो वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास की इकलौती फिल्म है जिसमें सिर्फ एक अभिनेता पूरी फिल्म में अभिनय कर रहा है। और दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि इस फिल्म के अभिनेता और निर्देशक स्वयं सुनील दत्त थे। तुम क्या समझती हो कि मैं यहाँ जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। मैं घर में रहकर बताऊंगा, तुम्हें जिंदा रहकर बताऊंगा, जी के बताऊंगा। इतिहास के पन्नों में फुल लेंथ की ये अमर फीचर फिल्म यादें सोलो एक्ट होते हुए भी कहीं से बोर नहीं करती है। इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री और सुनील दत्त की धर्मपत्नी नरगिस दत्त की सिर्फ छाया का इस्तेमाल किया गया है। अगर आज ये सपना नहीं तो मेरे सामने हो। सुनील दत्त ने इन्हीं 15 सालों में जो दूसरी सुपरहिट फिल्में दी वो पोस्ट बॉक्स, दीदी, जाग उठा इंसान, एक फूल चार काटे, हम हिंदुस्तानी, उसने कहा था, दुनिया झुकती है, छाया, झूला, मैं चुप रहूंगी, आज और कल, नर्तकी, गजल मेरी बेटी, वक्त, खानदान, आम्रपाली, गबन, मेरा साया, मेहरबान, मिलन, साधु और शैतान, गौरी, भाई बहन, मेरी भाभी, प्यासी शाम, चिराग, राम गजब ढाए ये पुरवैया। 1968 में बनी फिल्म गौरी का निर्देशन भी किया था सुनील दत्त साहब ने। उनकी सिनेमाई सफलता और उनके ईमानदार काम को देखते हुए भारत सरकार ने 1968 में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया था। 60 के दशक के अंत तक सुनील दत्त एक्टर और फिल्म मेकर के तौर पे स्थापित हो चुके थे। एक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में सुनील दत्त साहब को लोगों की मदद करने वाला मसीहा माना जाने लगा था। 60 के दशक के अंतिम साल 1969 में सबकी मदद करने वाले सुनील दत्त साहब अपने भाई सोम दत्त को लेकर एक फिल्म बनाई मन का मीत।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, लेकिन सुनील दत्त साहब की पारखी नजर ने जिन तीन प्रतिभावान अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपने भाई के साथ लॉन्च किया था, उन तीनों ने अगले कई दशकों तक हिंदी सिनेमा के इतिहास को अपने शानदार एक्टिंग से चकाचौंध रखा। ये तीन टैलेंटेड सुपर एक्टर्स का पहला नाम था सुपरस्टार हीरोइन लीना चंद्रवाकर का, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय का जादुई कई दशकों तक बिखेरा, और दूसरे प्रतिभाशाली अभिनेता थे विलेन रंजीत, जिनका नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और इन सब से बढ़कर सुपरस्टार एक्टर विनोद खन्ना नेगेटिव हीरोइज्म के साथ लॉन्च किया, जो आगे आने वाले सालों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम की सबसे बड़ी चुनौती बन गए। और बाद के दौर में विनोद खन्ना ने अपने रिश्तों को मजबूती से सुनील दत्त साहब के साथ जोड़े रखा, और यही कारण है कि सुनील दत्त साहब को सुपरस्टार विनोद खन्ना का सिनेमाई गॉडफादर कहा जाता है। दोस्तों, किसी की भी जिंदगी में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और यही हुआ सुनील दत्त साहब के साथ भी। 70 के दशक के शुरुआती सालों में असफलताओं का लगातार सिलसिला जारी रहा। फिल्म दर्पण, भाई भाई, ज्वाला, जमीन आसमान, जिंदगी जिंदगी, जय ज्वाला, मन जीते जग जीत, हीरा जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं। और दोस्तों, इसी दौर में सुनील दत्त साहब अपने जीवन के सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान के दौर से गुजरे। जब सुनील दत्त साहब ने 1971 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लॉन्च करने के लिए अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना घर, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और वो फिल्म थी रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन रेशमा और शेरा से ही अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की दोस्ती शुरू हुई थी। सुपरस्टार संजय दत्त ने बाल कलाकार के रूप में कव्वाली सिंगर की भूमिका भी निभाई थी, और इसी फिल्म से सबसे बड़े सुपरस्टार विलेन एक्टर अमरीश पुरी साहब की पहली बड़ी भूमिका थी रेशमा और शेरा में। फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन इसी फ्लॉप फिल्म ने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलने वाले नायकों, महानायक को, खलनायकों को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की असफलता ने सुनील दत्त साहब के पूरे परिवार को आर्थिक तंगी की हालात में लाकर खड़ा कर दिया था। पूरा परिवार एक एक पाई के लिए मोहताज हो गया था। हालात यहाँ तक हो चले थे कि नरगिस दत्त अपना गुल्लक तोड़कर घर का राशन पानी चला रही थी। ऐसे बुरे दौर में सुनील दत्त साहब ने परिवार की हिम्मत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। रियल लाइफ हीरो की जिंदगी से लड़ाई जारी थी, और उधर सुनील दत्त साहब के लॉन्च किए स्टार एक्टर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी। समय बदला और साल भी बदला। 1974 में सुनील दत्त साहब ने फिल्म 36 घंटे, प्राण जाए पर वचन न जाए, गीता मेरा नाम, कोरा बदन जैसी एक साथ चार सुपरहिट फिल्में दी। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा के इतिहास ने करवट ली, और हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों का चलन शुरू हुआ। वैसे तो दोस्तों, मल्टी स्टारर फिल्मों की शुरुआत 1949 में ही हो गई थी फिल्म अंदाज से, जिसमें स्टार कास्ट राज कपूर और दिलीप कुमार और नरगिस दत्त थे। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी, और खुद सुनील दत्त वक्त और हमराज जैसी मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं की थी। तुम अगर साथ देने का वादा करो। लेकिन 70 के दशक में मल्टी स्टारर फिल्मों की जैसी रूपरेखा सामने आई, उसने हिंदी सिनेमा के पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया था। और बदलती हुई सिनेमा के इतिहास में सुनील दत्त अपनी आवाज और एक्टिंग के दम पर मल्टी स्टारर फिल्मों के सुपर स्टार्स की पूरी फौज पर अकेले भारी पड़ जाते थे। 70 और 80 के दशक में सुनील दत्त मल्टी स्टारर फिल्मों की शान हुआ करते थे। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक, राजकुमार, धर्मेंद्र, संजीव कुमार से लेकर फिरोज खान और संजय खान जैसे, और फिल्म मेकर की फिल्मों में सुनील दत्त ने अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। फिर चाहे वो सुपरहिट फिल्म हिमालय से ऊंचा, जख्मी, नागिन, नहले पे दहला, दरिंदा, मुकाबला, जानी दुश्मन, शान, लहू पुकारेगा, राज तिलक, वतन के रखवाले, धर्मयुद्ध,
एक तरफ सुनील दत्त अपनी जादुई एक्टिंग का जलवा मल्टी स्टारर फिल्मों में बिखेर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी नरगिस दत्त कैंसर जैसी बीमारी से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। और इस हालात ने सुनील दत्त साहब को पारिवारिक और भावनात्मक स्तर पर झकझोर कर रख दिया था। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा के इतिहास में खुद एक सफलतम अभिनेत्री थी और हर माँ की तरह उनका भी एक सपना था कि उनके बेटे संजय दत्त का करियर फिल्मों में किसी तरह सेट हो जाए। सुनील दत्त साहब ने सुपरस्टार संजय दत्त को लॉन्च करने की योजना बनाई, फिल्म रॉकी की शूटिंग शुरू कर दी और यहीं से जिंदगी ने सुनील दत्त साहब की सबसे कठोर परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक तरफ संजय दत्त की फिल्म रॉकी के रिलीज होने की डेट नजदीक आती जा रही थी, दूसरी तरफ नरगिस दत्त अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी। रियल लाइफ के हीरो सुनील दत्त की और रियल लाइफ में जिंदगी और मौत की असली परीक्षा होना बाकी थी। खुशी और गम साथ साथ चल रहे थे, तभी बेटे संजय दत्त की फिल्म रॉकी के रिलीज की डेट आ गई और मां नरगिस दत्त अपने बेटे संजय दत्त को सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखने की चाह लिए फिल्म रॉकी के रिलीज होने के 4 दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। परिवार और धर्म के रीति रिवाजों ने सुनील दत्त साहब को नहीं बख्शा, पत्नी की मौत ने प्यार और रिश्ते को धर्म और जात की शक्ल दे दी और यही वो परीक्षा थी जिससे बाहर निकलने के लिए सुनील दत्त साहब ने वो किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। नरगिस दत्त जन्म से मुस्लिम थी और शादी के बाद हिंदू हो गई थी। परिवार ने अड़ंगा डाल दिया था कि घर से अर्थी उठेगी या मजलिस का जनाजा उठेगा। सुनील दत्त साहब ने ठान लिया था कि ये विवाद आगे नहीं बढ़ने देंगे। सुनील दत्त साहब ने अपनी पत्नी नरगिस दत्त की अर्थी घर से विधिवत निकाली और रास्ते में मजलिस के जनाजे में तब्दील कर दिया। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था और दोस्तों यही वजह थी कि लोग सुनील दत्त साहब को रियल लाइफ के हीरो से बड़ा रियल लाइफ का हीरो मानते हैं। सुनील दत्त साहब ने संजय दत्त की लॉन्च फिल्म रॉकी को रिलीज डेट पर ही अपनी पत्नी और जिंदगी नरगिस दत्त के सम्मान में रिलीज किया। फिल्म रॉकी सुपरहिट हुई, संजय दत्त बॉलीवुड में बड़े स्टार की कतार में खड़े हो गए। दोस्तों जिंदगी, समय और काम कभी किसी सफलता के इंतजार के लिए नहीं रुकते। जिंदगी रुकी नहीं। सुनील दत्त साहब ने 1982 में फिल्म दर्द का रिश्ता प्रोड्यूस किया। सुपरहिट फिल्मों में अपनी जादुई एक्टिंग का जलवा बिखेरते रहे, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी में दंगों और विभाजन का दंश झेलने वाले बलराज दत्त, जो सुनील दत्त का असली नाम था, लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए राजनीति की तरफ मुड़ गए। यहाँ भी सुनील दत्त साहब की ईमानदार सफलता ने लोगों का चहेता बना दिया। किसी सिनेमाई सेलिब्रिटी का राजनीति में जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन सुनील दत्त साहब इन सबसे अलग थे। बतौर सांसद और राजनीतिक सुनील दत्त साहब ने कभी भी जनता के सरोकारों के साथ समझौता नहीं किया। आम लोगों के सरोकारों से उनका जुड़ाव ऐसा था कि अपनी ही सरकार का विरोध करने से नहीं चूकते थे। 1985 में बोरीवली स्लम के लोगों के लिए अपनी ही सरकार का विरोध किया, फिर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उग्रवाद के खिलाफ 1987 में मुंबई से स्वर्ण मंदिर अमृतसर की पैदल यात्रा की। यही नहीं, युद्ध के विरोध में 1988 में परमाणु बम की विभीषिका झेल रहे जापानी शहर नागासाकी से हिरोशिमा तक 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की। 1990 में भागलपुर दंगों के लिए भी दौरा किया सुनील दत्त साहब ने, धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और मुंबई का श्राप कहे जाने वाले 1991 की मुंबई बम धमाके के बाद उन्होंने अपनी ही सरकार का पुरजोर विरोध किया और अपने एमपी पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि सरकार ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए, उस सरकार का सांसद मुझे नहीं रहना है। यहीं से सुनील दत्त साहब की सबसे भावनात्मक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई, जब उनके बेटे सुपरस्टार संजय दत्त पर हथियार रखने और टेररिस्ट होने का आरोप लगा था। जब संजय दत्त गिरफ्तार हुए तो सुनील दत्त साहब पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी, लेकिन बेटे संजय दत्त को रिहा नहीं करा पाए। ऐसे कठिन समय में अपनों ने साथ छोड़ दिया था। तब राजनीतिक विरोधी होते हुए भी सुनील दत्त साहब पिता की हैसियत से महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता बाला साहब ठाकरे से मदद मांगी। बाला साहब ठाकरे ने संजय दत्त की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे तूफान को
किसी चट्टान की तरह थाम लिया था। और यही कारण है कि जब संजय दत्त को अदालत से बेल मिली तो संजय दत्त सीधा आथर रोड से मातोश्री गए बाला साहब ठाकरे से मिलने। राजनीतिक विरोध और पिता का प्यार आंसुओं में बहकर निकल गया। संजय दत्त पूरी तरह से रिहा नहीं हुए थे, लेकिन पिता सुनील दत्त के लिए ये कम खुशी की बात नहीं थी कि उनका बेटा कम से कम खुली हवा में सांस तो ले रहा है। संजय दत्त ने फिर से अपने सिनेमाई करियर शुरू किया, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। इसी दौरान 2003 में संजय दत्त के स्टार बनने के बाद मुन्ना भाई MBBS में पहली बार और आखिरी बार सुपरस्टार एक्टर और ईमानदार पिता सुनील दत्त साहब और संजय दत्त दिखाई दिए। दोस्तों, फिल्म के आखिर में सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को गले लगाते हैं, जो आज भी वो सीन लोगों को पल भर में भाव विभोर कर जाता है। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। समय और उम्र ने अभिनेता और ईमानदार राजनीतिक सुनील दत्त साहब का असर करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जिंदगी से लड़ा जा सकता है, लेकिन मौत को हराया नहीं जा सकता। ये सर्वमान्य सच्च है जिसे हर इंसान को मानना ही पड़ता है। हर तरीके से ईमानदार छवि वाले सुनील दत्त साहब को ये सच मानना पड़ा। 25 मई 2005 को बेटे संजय दत्त की रिहाई का सपना लिए सुनील दत्त साहब पंचतत्व में विलीन हो गए। सुनील दत्त साहब ने सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में अपने बुरे दौर में कहा था, अब तक का किया सब व्यर्थ हो गया। शायद आपकी भावनाएं आहत थी सुनील दत्त साहब, लेकिन हमारे दिलों में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी ईमानदार छवि, आपकी शानदार आवाज और आपका सुपर स्टारडम, आपकी आशातीत सफलता हमेशा हमारी पूंजी रहेगी। सुनील दत्त साहब फिल्मी सितारों से कहीं बड़ी शख्सियत थे, जो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे उन लोगों के लिए जो जिंदगी से लड़ना चाहते हैं। आपकी शख्सियत और आपकी प्रेरणा को हमारा सलाम, जो रियल लाइफ से कहीं ज्यादा बड़े हीरो रियल लाइफ में थे। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यकीन मानिए, आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय और फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।